नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिसके लिए दुनिया भर में मौजूद राम भक्त दिल खोल कर दान दे रहे हैं, जिससे रामलला के मंदिर निर्माण में धन की कमी ना आए। लेकिन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जिस खाते में राम भक्तों का दान किया पैसा जमा हो रहा है, उसी खाते से बड़े फर्जीवाड़े का खेल उजागर हुआ। यूपी की राजधानी लखनऊ में फर्जीवाड़ा कर श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खाते से किसी ने 6 लाख रुपए निकाल लिए और किसी को भनक भी नहीं लगी। खाते से ये रकम क्लोन चेक के जरिए लखनऊ के 2 बैंकों से निकाली गई। इस मामले की जानकारी तब हुई जब जालसाज ने तीसरी बार 9,86,000 का चेक लखनऊ के ही बैंक ऑफ बड़ौदा की एक शाखा में लगाया। उसके चेक लगाने के बाद जब वेरिफिकेशन के लिए फोन राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के पास आया, तो उन्होंने ऐसे किसी चेक को जारी करने से इनकार कर दिया। इसके बाद जब बैंक खाते की जानकारी की गई, तो खाते से पैसे निकाले जाने की जानकारी हुई। कब कब निकाले गए पैसे? लखनऊ की ब्रांच से चेक संख्या 740799 के जरिए 1 सितंबर को 2,50,000 पीएनबी बैंक में ट्रांसफर किए गए। चेक संख्या 740800 से 8 सितंबर को 3,50,000 फिर पीएनबी को ट्रांसफर किए गए। चेक संख्या 740798 के माध्यम से 9,86,000 का भुगतान का चेक 9 सितंबर को बैंक में जमा किया गया। तीसरी बार जब 9,86,000 के भुगतान के लिए चेक आया, तो बैंक से ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय को वेरिफिकेशन कॉल गई कि क्या इसका भुगतान किया जाना है। जब चंपत राय ने चेकबुक देखा, तो तीनों चेकबुक नंबर की चेक अब तक चेकबुक में ही लगी थी, जिसका मतलब था कि क्लोन चेक से रकम निकाली गई। महामंत्री चंपत राय ने अयोध्या कोतवाली में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 658/20, धारा 419, 420, 467, 468, 471 के तहत मुकदमा दर्ज कराया। ध्यान में आया था कि 9,86,000 का जो चेक था, ये बैंक ऑफ बड़ौदा में लगाया गया था। जो वेरिफिकेशन के दौरान ये बात प्रकाश में आई थी, और फिर जब ये बात प्रकाश में आई, उसके उपरांत सारे जो है ट्रस्ट के अकाउंट जो है फिलहाल लॉक करा दिया गया है और इसकी जांच की जा रही है। कहाँ का बंदा है वो जो इसने ऐसा किया? देखिए, ये अभी प्रकाश में तो नहीं आया है, लेकिन जो 6 लाख रुपया है, प्राप्त जानकारी में ये आया है कि ये पंजाब नेशनल बैंक लखनऊ में किसी शाखा से विड्रा हुआ है, और जो है इसकी जांच की जा रही है। अब पुलिस ने आईटी सेल सहित 2 टीमें पड़ताल में लगाई। भारतीय स्टेट बैंक लखनऊ की सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जा रही, क्योंकि यहीं से फर्जीवाड़ा किया गया। बता दें, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का भारतीय स्टेट बैंक नए घाट अयोध्या में खाता संख्या 39200235062 के तहत अकाउंट खुला है, जिसमें ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र सिग्नेचर अथॉरिटी। कोई भी भुगतान सिर्फ इन्हीं के दस्तखत से हो सकता है।